होगा एक जलसा, बोलो इंशाल्लाह के होगा एक जलसा हश्र में ऐसा। आप लोग बिल्कुल वाह, अगर बोलिएगा तो सब नहीं तो एक को नहीं बोलिएगा। हालांकि मैं अपने मिंबर शरीफ में कभी ऐसी बात नहीं करता, लेकिन आज माइक थोड़ा कमजोर है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। सब लोग बोल दें, हाथ उठाकर के होगा एक जलसा हश्र में ऐसा जिसमें सरकार की अजमत पे खिताबत होगी, के होगा एक जलसा हश्र में। के जिसमें सरकार की अजमत पे खिताबत होगी, के सदरे महशर हमारा रब होगा, सदरे महशर हमारा रब होगा, हजरत बुलबुल सिदरा की नकावत हमारा रब होगा, हजरत बुलबुल सिदरा की नकावत होगी, के सदरे में शर हमारा रब होगा, हजरत बुलबुल सिदरा की नकावत होगी। एक बंदा खड़ा होके नारा लगा दे, अच्छा है। आप पंखा चलाना छोड़ दीजिए, उधर चलाइए उधर। अब हबीबुल्ला फैजी उस शेर पे पहुंच रहा है जिस शेर का इंतजार अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंडिया करता है। कयामत का मैदान होगा, मुस्तफा सर को सजदे में करेंगे निदा आएगी, महबूब हबीब सर उठाइए मेरे मुस्तफा, फरमाएंगे परवरदिगार तूने मुझसे कुरान शरीफ में वादा फरमाया, क्या अनकरीब ए महबूब हम आपको इतना देंगे इतना देंगे इतना देंगे इतना देंगे कि आपको राजी कर देंगे, परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे, मुझे राजी फरमा दरात। वादा करने वाला अल्लाह, जिसमें वादा किया कलामुल्लाह और जिससे वादा किया रसूलुल्लाह, और शेर पढ़ रहा है हबीबुल्लाह, आप कह रहे हैं सुभान अल्लाह। शेर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कौन चुप रहेगा, के होगा सर मुस्तफा का सजदे में, हुजूर का सर सजदे में आपके लिए, और दुनिया में आप हुजूर के लिए हाथ क्यों नहीं उठाते, हाथ उठा दीजिए और कह दीजिए या रसूल अल्लाह, के होगा सर मुस्तफा का सजदे में, के होगा सर कल बक्सर जलसे में था, बॉक्स का पर्दा फट गया, इसलिए मैं ताकत कम लगा रहा हूं। कल फट गया था, जलसा वाला बोला कि थोड़ा सा करम कीजिए, तो हमने कहा चलो ठीक। तो अभी तो हम शुरू हुए हैं, आप कहाँ हैं? अच्छा अभी बोले 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 के हो सर मुज़फ़्फ़र का सजदे में।
सजदे में के होगा सरमो सभा का सजदे में के होगा सरमो के होगा सरमो मुस्तफा का सजदे के जब परेशान के आलमों में ये उम्र ये मेरा वादा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशाल्लाह, वाह एक और शेर हबीबुल्ला फैजी पढ़ रहा है, जिस शेर की वजह से बहुत लोगों ने हबीबुल्ला फैजी को गालियां दी और बहुत लोगों ने दुआ दी। आप समझ जाएंगे गाली कौन देता होगा और दुआ कौन देता होगा। शेर हबीबुल्ला फैजी पढ़ रहा है, एक लफ्ज को बदल कर, एक लफ्ज को बदल कर सुने कि मैं पढ़ूंगा हदाए बख्शिश, कि मैं पढ़ूंगा हदाए बख्शिश, कि मैं पढ़ूंगा बख्शिश के हश्र की भीड़ में कर मुझ को इजाजत तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला जिंदाबाद, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। ये देखिए भारत के एक बड़ी अबतरी शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी अजहरी खंडवा मध्य प्रदेश की आमद आमद हुई है मियां। एक बहुत बड़ी शख्सियत, इनकी गुफ्तगू जो नहीं सुनेगा जिंदगी भर पछताएगा। वाह, अरे वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। ए भैया बैठिए आप लोग, है ओ माय डियर प्लीज सिट डाउन। ए भाई ये सब लोग हाथ में मिला है, अगर पूरा मजमा हाथ मिलाने लगे तो जलसा खराब हो जाएगा। बैठिए आप लोग, बैठ जाए भैया। ये देखिए जो सामने बैठे हैं ना, ये सरजमीन खंडवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पूरे भारत में खंडवा के नाम से मशहूर है, लेकिन अब नाम इनका सुन लीजिए, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी अजहरी खंडवा मध्य प्रदेश। बहुत बड़े आलिम रब्बानी हैं, बहुत मदल्लल खिताब होता है, दावा भी और दलील भी दोनों सुनिएगा। बहुत शानदार गुफ्तगू होगी, माइक पे फिल वक्त
होगा एक जलसा। आप चिंता ना करें, जलसा। हाँ हाँ शारिक भाई माशाल्लाह बैठिए। अल्लाह अल्लाह भाई, ए भाई एक कैमरा है माय डियर। एक हार और लेके आइए, एक हार और लेके आइए। नहीं हमको कहाँ पहनाया। तब यही बोला, यही बोला, यही बोला, यही बोला। लाइए रमजान के बाद कुर्बानी बहुत करीब है। इधर से आया था उधर से नहीं आया था, इसलिए मैंने कहा कि जरूर अब मैं हजरत की बारगाह में फिर पेश करता हूँ। हजरत अब इस शेर को दोबारा तैयार है, हाथ उठा दें, बोल दें सुभान अल्लाह। के सदरे महशर हमारा रब होगा, हजरते बुल बुले सिदरा की नकावत होगी। ये शेर दोबारा पढ़ता हूँ, समाप्त करें और एक बार कहते सुभान अल्लाह। के मैं पढ़ूंगा हदायते बख्शिश, के मैं पढ़ूंगा के मैं बढ़ूंगा हदायत बख्शिश, हश्र की भीड़ में गर मुझ कोई इजाजत होगी, के लिए दौरे कयामत होगी। सुन के नारा लगाएंगे सुन्नी और मुनाफिक, के लिए दौरे कयामत होगी। के सदरे में शर हमारा रब होगा, हजरते बुल बुले सिदरा की नकावत होगी। वाह एक और शेर पढ़ दें, तैयार हैं आप? एक और शेर पढ़ता हूं और मैं काफिया पे दाद चाहूंगा, उलमा बैठे हैं इन हजरात के तरफ से। के जिसका ईमान इश्क़े नबवी हो, के जिसका ईमान इश्क़े नबवी हो, के या नबी के नेकी जी शख्स में आदत होगी, के मशरब उसका जो जाका हो, मसलकन उस की बरेली से ही शोहरत। वाह मियां बाबा, अरे जी बाबा सलामत रहे भाई। मजलगन उस की बरेली से शोहरत होगी, के सदरे में शर हमारा रब होगा, हजरते बुल बुले सिदरा की नकावत होगी। एक और शेर सुने, एक और शेर पढ़ दें, सुने हजरात ये बहुत कीमती शेर है। के जो दुरूदो सलाम पढ़ो ता है, के जो दुरूदो सलाम पढ़ो ता है, के जो दुरूदो जो दुरूदो सलाम पढ़ता है, मुश्कबू होगी हर एक सांस हश्र में उसकी,
के चेहरा चमके गा चांद से ज्यादा, के चेहरा चमके गा चांद से ज्यादा, ये चमक इश्क रिसालत की अलामत होगी, के चेहरा चमके चांद से ज्यादा, ये चमकी शेरे सालत की अलामत होगी, के सदर में शेर हमारा रब होगा, हजरत बुल भुले सिदरा की नकाबत होगी। मक्ता बिल्कुल इसके, अब कोई शेर ही नहीं बचा था तो कहां जाता है। बोल दे एक बार और सुभान अल्लाह। के आला हजरत वहां पे जाएंगे, के आला हजरत वहां पे जाएंगे, के आला हजरत, के आला हजरत के आला हजरत वहां पे जाएंगे, के जिस जगह उनकी गुलामों को जरूरत हो, के तू है एक रज़मीनात खां फैजी, तू है एक रज़मीनात खां फैजी, इसलिए तेरे मुकद्दर में भी जन्नत होगी, के तू है एक रज़मीनात खां फैजी, इसलिए तेरे मुकद्दर में भी जन्नत होगी, के सदरे में शर हमारा रब होगा, हजरत बुल बुले सिदरा की नकावत होगी, के सदरे में शर हमारा रब होगा, हजरत बुल बुले सिदरा की नकावत होगी।